नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटलिस के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लाटा ओरिएंटलिस बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है अस्थमा के लिए, यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस में या एलर्जिक अस्थमा के केसेस में ब्लाटा ओरिएंटलिस का बहुत ही अच्छा रोल है और यह बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो है होम्योपैथी में यूज़ होती है। ब्लाटा ओरिएंटलिस ऐसे केसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है अगर अस्थमा के साथ में, अस्थमा की कंप्लेन के साथ में अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की समस्या फेस कर रहा हो, तो ऐसे पेशेंट में ब्लाटा ओरिएंटलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर कफ जो निकल रहा है या एक्सपेक्टोरेशन जो हो रहा है वह अगर पस जैसा हो, यानी कि मवाद जैसा कफ निकल रहा हो, पुरुलेंट कफ हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्लाटा का बहुत ही अच्छा रोल है। तीसरा जो सिम्टम है वो ये है कि जब आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इंडिकेटेड मेडिसिन हो किसी भी अस्थमा या डिस्निया वाले केस में, और वहाँ पर अगर आर्सेनिक आपको टेम्परेरी रिलीफ देता हो, आर्सेनिक मेडिसिन लेने से आपको कुछ समय के लिए आराम मिलता हो, लेकिन फिर वह समस्या यानी कि अस्थमा की कंप्लेन या सांस लेने में दिक्कत वाली जो कंप्लेन या वो समस्या है वो फिर रीअकर हो रही हो, वापस हो रही हो, और उससे पूरी तरह से आराम नहीं हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्लाटा ओरिएंटलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। ब्लाटा की एक और मॉडेलिटी है, यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, जब रेनी सीजन होता है, तो ब्लाटा के पेशेंट में अस्थमा अग्रवेट कर जाता है, यानी कि यह कंप्लेंस जो है सांस लेने में दिक्कत वाली समस्या और जो अस्थमा है यह बढ़ जाता है और इसमें तकलीफें बहुत ज़्यादा अग्रवेट हो जाती हैं। अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा हो तो ब्लाटा ओरिएंटलिस आपके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। ब्लाटा जो मेडिसिन है वह एक्यूट कंडीशन में, यानी कि ताज़ा अगर बीमारी है या एक्यूट एग्जर्वेशन हो रहा है अस्थमा का, तो ऐसी कंडीशन में लोअर पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर पुराना हो चुका है केस और आप इसको क्योर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ब्लाटा का हायर डोजेज या हायर पोटेंसीज जो है वो फिर यूज़ की जाती है, जिससे कि यह समस्या जो क्रोनिक समस्या है उसमें काफ़ी हद तक जो है आराम मिलता है। अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी ब्लाटा के बारे में आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।